Tini Shakti Hame Dena Data Manna Vishwas Kamjor Hona Gopi 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 Yes ma'am Preeti Yes ma'am Raj Yes ma'am Madhu Yes ma'am Rasik Anas A for apple B for ball C for cat D for dog पढ़ो और बढ़ो आपसे तीन साल पहले शुरू किया गया था कार्यक्रम की अच्छी गुणवत्ता देखते हुए गेल इंडिया ने इसको स्पॉन्सर किया। पहले चरण में केवल 50 सेंटर्स के लिए हमें अनुदान मिला था। प्रोग्राम का कम्युनिटी में रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि इस वर्ष के लिए हमें 200 सेंटर्स गेल ने फंड किए हैं। जब हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं। पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को एग्री नहीं होते हैं स्कूल में भेजने के लिए। ये बताओ, ये एक ये बकरी खिला रही है, दूसरी वो कपड़े धो रही है, इन्हें स्कूल क्यों नहीं भेजती हो? बकरी कौन चुगाएगा, बच्चों को कौन देखेगा? बच्चों को वो जैसे कूड़ा बीनना है और जूता पॉलिश करना है या मदारी का खेल हो गया, ऐसे बहुत सारे काम है जिसमें वो उनको इन्वॉल्व रखते हैं। खींचो खींचो जोर से खींचो। एक। हमारा यही प्रयास रहता है कि हम ऐसे बच्चों को कूड़े के ढेर से उठाकर स्कूल तक भेजें। पहले मेरा बच्चा क्या था, कूड़ा बीनता था, इधर उधर कंचे खेलता था। स्कूल खुला जब से मेरा लड़का पढ़ने जाता है, लड़की भी पढ़ने जाती है मेरी, जब से बहुत सुविधा हो गई है, हमें भी आके पढ़ाता है। और जो एक उनका आमदनी का जो जरिया जो बंद हो गया, उनके बच्चों ने जो कामकाज छोड़ दिया है, उनके लिए हमने कुछ सिलाई सेंटर खोल दिए हैं जिनमें उनकी मम्मी उनकी सिस्टर आ रही हैं, सिलाई सीख रही हैं, ताकि वो सिलाई सीख करके और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। मैं आशा हूँ, मैं खिचड़ीपुर में रहती हूँ, मेरे दो बच्चे हैं। पहले छोटा मोटा काम करने जाते थे, अब जब से मैं सिलाई सीखने लगी, जब से काम नहीं करने जाते, हमको रोजगार मिला और मेरे बच्चों को शिक्षा मिली। जब मैं पढ़ता हूँ, माँ बापों को बहुत खुशी होती है। मैं सिलाई सीखूंगी तो कोई इनकम करूंगी, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, काम पे नहीं भेजूंगी। सास गाली देवे पिछले वर्ष हमने लगभग 3961 बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा है और इस वर्ष नए हमने 6000 बच्चों को एनरोल कर लिया है। अभी हमने एक ट्रैकिंग भी कराई थी स्कूल्स में, उसमें हमने पाया कि लगभग 10% ही बच्चे ऐसे हैं हमारे मेनस्ट्रीम कराए जो कि स्कूल छोड़कर दोबारा चले जाते हैं, नहीं तो बाकी सारे बच्चे अभी स्कूलों में रेगुलर जा रहे हैं। सब बच्चों का अधिकार है, आगे बढ़ो पढ़ो, जो देश के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी बात है। मैं पढ़ूंगा, मैं ट्रेन चलाऊंगा, मैं पढ़ूंगा।